मेहनत वो तो शायद मैं 2013-14 से कर रहा हूँ, ना फैमिली का सपोर्ट और ना ही फ्रेंड्स का, पागल कहते हैं सब। शायद मेरे अनसक्सेसफुल होने का एक ही रीज़न है, किसी का सपोर्ट ना होना। हेलो गाइस, मैं आनंद कुमार भूषण आपके अपने मुजफ्फरपुर बिहार से, और बात करें एक्टिंग की, वो तो मेरी जान है। बहुत सारी वीडियोस बनाए, शॉर्ट फिल्म्स बनाए, रील्स बनाया, यूट्यूब वीडियोस बनाया, शॉर्ट्स बनाया, बट आप लोगों ने कभी सपोर्ट किया ही नहीं, और ना ही फैमिली वालों ने। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट पास करते हैं, अरे आनंद तू तो बाबा जी बन गया हुआ यार, ये कौन सा लुक है भाई, पढ़ाई लिखाई करो, दाढ़ी मूछ हटवाओ। बट उन्हें कहाँ पता है मैं बीमार आदमी हूँ, मुझे एक कीड़े ने काटा है। पता है उस कीड़े का नाम क्या है? उस कीड़े का नाम है एक्टिंग का कीड़ा। और जो मुझे बीमारी है उस बीमारी का नाम एक्टर है। आप लोगों को मेरा ये लुक देख के एक साउथ इंडियन मूवी मारी का याद आ ही गया होगा। एक्चुअली मैं यूट्यूब एक्टर हूँ, इमोशनल एक्टिंग, विलेन वाला एक्टिंग, हीरो, फनी रोल सब करता हूँ। बट कुछ लोग का कहना है कि मैं विलेन रोल में ज़्यादा सूट करता हूँ, सो मैंने सोचा क्यों ना मारी लुक में वीडियोस बनाया जाए। तो मैंने मारी लुक का शॉर्ट्स वीडियो और रील्स बनाना स्टार्ट किया, बट वहाँ भी किसी का प्यार दिखा ही नहीं। दिल में बहुत सारी बातें छिपी थी, कोई और तो सुनता ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग वीडियोस के जरिए आप लोगों को मेरी बातें बताया जाए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा हल्का फील होगा आप लोगों से बातें शेयर करके। बात है यही 5-6 महीने पहले की। एक दोस्त ने मुझे बहुत बोला कि भाई जाओ फैमिली से बातें करो, फैमिली को बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। मैंने बहुत हिम्मत जुटा के अपनी फैमिली को, अपने मम्मी पापा को साथ में बुलाया और अपनी सारी दिल की बातें उनसे शेयर करी, सारी बातें मैंने कह डाली। मम्मी पापा एक मौका दे दो, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, अगर एक साल में मैं कुछ नहीं कर पाया तो आप लोगों के कहे हुए रास्ते पे चलूँगा और मेडिकल की तैयारी फिर से स्टार्ट करूँगा। बट फिर भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, गालियाँ सुना, डांटे पड़ी, मैं बस रोता ही रह गया। मैं अब बताना चाहता हूँ कि सिर्फ डॉक्टर बनने से ही नहीं, कुछ अलग करने से भी हमारी लाइफ बन सकती है, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, टैलेंट है तो। बहुत सारी बातें हैं जो कि एक वीडियोस में मैं नहीं बता सकता हूँ, तो अगर बताने बैठा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों से बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो भी 2-4 लोग मेरे वीडियोस को देखें ना, वो प्लीज़ लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। एक मेरा लिखा हुआ पोएम है, उसकी छोटी सी पंक्ति का मतलब है, समंदर में फंसे फतिंगे को भी तिनके का सहारा बहुत बड़ा लगता है। सो आप लोग जो भी 2-4 लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे सपोर्ट करें, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा। तो बस आज की बातें यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।